नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसरुल्लागंज मुख्यमंत्री की विधानसभा एवं गृह क्षेत्र बुधनी के ग्राम मचवाई में हुई युवक की मौत को लेकर कांग्रेसियों ने दिया SDM दिनेश सिंह तोमर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नसरुल्लागंज द्वारा बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मधवाई में हुई युवक की मौत को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मृतक की बहनों के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर आरोपियों द्वारा युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और आनन फानन में सांप के काटने का बोलकर उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया। वहीं अंतिम संस्कार भी करा दिया गया जिसमें कि आरोपी बच सके। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेश चंद्र सेठी, संजीव अग्रवाल टिन्नी, संतोष गौर, बलराम श्रीराम आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। नसरुल्लागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। सर, ये सहारनपुर में आदिवासी बालिकाओं के साथ हो गई, महामहिम राज्यपाल। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार की घटना बढ़ रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र और उनके गांव के बिल्कुल पास में मछवाई ग्राम में उनकी ही समाज के लोग संजू चौहान पटेल ने एक आदिवासी युवक को वहाँ पर काम पर रखा, उसकी 5 लड़कियों के साथ यौन शोषण और शारीरिक शोषण किया गया, जिसका उसने विरोध किया। उसके विरोध करने के वजह से उसको मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और आनन फानन में PM कराकर कहा गया कि सांप ने काट लिया, जबकि उसकी हत्या की गई है। इसी के संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो कांग्रेस कमेटी बुधनी विधानसभा में बड़ा आंदोलन करेगी और इस शिवराज सिंह चौहान की जो आदिवासी विरोधी सरकार है, इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।